तस्वीर में आप जिस लड़के को देख रहे हैं, इस लड़के को कांग्रेस का उत्तराधिकारी माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये लड़का ही कांग्रेस की बागडोर भविष्य में संभालेगा। और तो और पूरे सोशल मीडिया पर खबर चल रही है कि राहुल के बाद कांग्रेस का वारिस यही लड़का होगा, क्योंकि जब से 10 जनपद की दीवारों को पेंट करते हुए राहुल गांधी के साथ ये लड़का दिखाई दिया है, तब से कयाशों का बाजार गर्म हो गया है। दरअसल बीते दिनों विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने दिवाली के अगले दिन 1 नवंबर को एक्स पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वे दीवार पर पेंटिंग करते दिखे। राहुल गांधी के साथ वीडियो में एक लड़का भी दिखा, जिसके बाद लोगों के कमेंट्स की बौछार शुरू हो गई और लोगों का सवाल बनते भी दिखने लगा, कौन है ये लड़का? क्या सच में कांग्रेस का अगला उत्तराधिकारी ये लड़का बनने वाला है? कभी जवाहरलाल नेहरू के बाद लोग जानना चाहते थे कि कांग्रेस का अगला वारिस कौन होगा, और अब फिर एक बार ये सवाल कांग्रेस के समर्थकों के मन में चल रहा है कि आखिर राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के बाद कौन? तो चलिए देर ना करते हुए आपको बताते हैं कि राहुल गांधी के बाद कौन करेगा कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व। दोस्तों, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को आप पहचानते होंगे, लेकिन राहुल गांधी के साथ आप जिस लड़के को देख रहे हैं, आप में से शायद कम ही लोग इन्हें जानते होंगे। ये हैं प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा के बेटे और राहुल गांधी के भांजे रेहान राजीव वाड्रा। रेहान वाड्रा अक्सर प्रियंका गांधी के साथ सार्वजनिक जगहों पर देखे जाते हैं, मगर इस बार रेहान अपने मामा राहुल गांधी के साथ नजर आए हैं और तभी से रेहान सुर्खियों में है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या गांधी परिवार रेहान को लॉन्च करने के मूड में है? क्या गांधी परिवार रेहान को भविष्य का राजनेता बनाना चाहता है? क्योंकि जब जब रेहान को गांधी परिवार में किन्हीं पॉलिटिकल जगहों पर या कुछ ऐसा करते देखा जाता है जिसका मेन बिंदु राजनीति हो, तब तब रेहान की राजनीति में एंट्री को लेकर चर्चा तेज होने लगती है। हाल ही में राहुल गांधी और रेहान की वीडियो ट्विटर पर वायरल हो रही है, जिसमें रेहान अपने मां और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को दीवारों पर पेंटिंग करना सिखाते हुए नजर आ रहे हैं। रेहान एक इंस्टॉलेशन और विजुअल आर्टिस्ट है। रेहान का जन्म 29 अगस्त 2002 को हुआ। द मेथड आर्ट की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार रेहान वाड्रा ने डार्क परसेप्शन शीर्षक से अपनी पहली सोलो एग्जीबिशन यानी प्रदर्शनी आयोजित की थी। उनके विजुअल वर्क में वन जीव और सड़क से लेकर कॉमर्शियल फोटोग्राफी तक के विषय भी शामिल थे। उन्होंने कोलकाता में द इंडिया स्टोरी में भी प्रदर्शनी का आयोजन किया था। दिसंबर 2022 में रेहान ने अनुमान नाम से अपना दूसरा सोलो एग्जीबिशन आयोजित किया। रेहान बहुत ही कम सार्वजनिक रूप में नजर आते हैं। वहीं रेहान की पढ़ाई की बात करें तो रेहान वाड्रा ने दिल्ली, देहरादून और लंदन से पढ़ाई की है। आपको बता दें कि रेहान की एक बहन भी है जिनका नाम मिराया वाड्रा है। बता दें कि कई बार प्रियंका गांधी रेहान को सार्वजनिक मंचों पर लेकर जा चुकी है। कई चुनावी रैलियों में रेहान को कांग्रेस पार्टी के समर्थन में खड़े होते भी देखा गया है। भारत जोड़ो यात्रा में भी रेहान देखे गए थे, लेकिन रेहान के राजनीतिक भविष्य पर अभी कुछ भी नहीं बताया जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रेहान को हर राजनीतिक कार्यक्रम में ले जाते हैं, उसे देखकर तो यही लगता है कि रेहान को आज नहीं तो कल कांग्रेस लॉन्च जरूर करेगी। ये पहली दफा नहीं है जब राहुल गांधी के साथ रेहान नजर आए, मगर ऐसा पहली बार जरूर हुआ है जब राहुल गांधी के किसी वीडियो में रेहान वाड्रा को पहली बार फोकस करके दिखाया गया है। इससे पहले जब राहुल गांधी पुरानी दिल्ली की गलियों में चाट और आइसक्रीम खाने गए थे, तब भी रेहान वाड्रा उनके साथ थे, लेकिन वीडियो का हिस्सा नहीं थे। दीपावली के मौके पर वीडियो सामने आने के बाद से दोनों पक्षों के लोग कयास भी लगाने लगे हैं कि क्या ये रेहान वाड्रा की सॉफ्ट लॉन्चिंग है। एक व्यक्ति ने एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी जब राजनीति में आए थे तो वे बहुत शर्मीले थे। रेहान वाड्रा भी इस वीडियो में थोड़े नर्वस दिख रहे हैं, हालांकि ये दर्शाता है कि उन्हें अच्छे संस्कार मिले हैं। इससे पहले हाल ही में रेहान वाड्रा को प्रियंका गांधी के नामांकन के दौरान वायनाड में अपने पिता रॉबर्ट वाड्रा और मामा राहुल गांधी के साथ देखा गया था। सोशल मीडिया पर वायरल रेहान और राहुल गांधी की ये वीडियो इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि रेहान की मां प्रियंका गांधी अब बकायदा चुनावी राजनीति में कदम रख चुके हैं। वीडियो को देखने के बाद तमाम लोग कह रहे हैं कि गांधी परिवार के अगले वारिस रेहान वाड्रा ही हैं। लोग राहुल गांधी से रेहान की पर्सनैलिटी और अन्य चीजों की तुलना भी करते दिख रहे हैं। वे उन्हें बता रहे हैं कि राहुल गांधी भी राजनीति में कदम रखते समय कुछ ऐसे ही दिखते थे। रेहान के पॉलिटिक्स में एंट्री को लेकर कुछ पुराने कांग्रेसियों का कहना है कि ये गांधी परिवार की परंपरा रही है। इंदिरा गांधी जब रायबरेली की सांसद होती थी, तब भी संजय गांधी और राजीव गांधी इसी तरह उनके संसदीय क्षेत्र के गांव को भ्रमण करते रहते थे। राजीव के समय राहुल और प्रियंका भी अमेठी और रायबरेली आते थे। रेहान और मिराया भी उसी परंपरा का पालन कर रहे हैं।
बता दें कि रेहान का पूरा नाम रेहान राजीव वाड्रा है। आजादी के बाद नेहरू गांधी परिवार के पांचवी पीढ़ी के बेटे रेहान वाड्रा के नाम से नाना राजीव गांधी का नाम जुड़ गया है। जब रेहान का नाम बदला गया था तब नाम में इस बदलाव को रेहान के राजनीतिक भविष्य से जोड़कर देखा जा रहा था। आज से करीब 8 साल पहले रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका वाड्रा ने अपने बेटे का दाखिला द दून स्कूल देहरादून में कराया था। उस समय नाम रेहान वाड्रा लिखवाया था। लंबे समय से इस बात की चर्चा थी कि रेहान का नाम परिवर्तन कराया जा रहा है, जिसके बाद रेहान वाड्रा का नाम रेहान राजीव वाड्रा हो गया था। फिलहाल रेहान राजनीति में कदम रखेंगे या नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन कयाशों की बाजार इस बात को लेकर गर्म है कि जल्द ही रेहान राजीव वाड्रा राजनीति में कदम रखेंगे और भविष्य में कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करेंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी वीडियो कैसी लगी ये भी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।